क्या कहेंगे आप जो आपके दिन का ब्रेक में बहुत भीड़ है, देख रहे हैं आप बैठने की जगह नहीं है, सर कितनी खुशी होती है, कितना मजा होता है। नहीं का वो देखिए क्या है, ये जब ट्रायल का मुझे जब बताया प्रोड्यूसर साहब ने कि ट्रायल रखनी है तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था, क्योंकि क्या है बड़ा प्रॉब्लम रहता है पिक्चर रिलीज से पहले ट्रायल रखना बहुत रिस्की रहता है, अक्सर लोग रखते नहीं हैं क्योंकि आपको तारीफ भी मिल सकती है और लोगों को ना पसंद आए तो वो भी बात हो सकती है, तो बड़ा रिस्क होता है। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन ले लिया तो मैं भी प्रिपेयर्ड हो गया और कोशिश की और लेट्स सी अभी लोगों को पसंद आई होगी मेरे ख्याल से। जो भी है देखिए क्या भोजपुरी सिनेमा जो है, भोजपुरी सिनेमा इस टाइम पे बहुत बड़ा सिनेमा है और मुझे ये लगता है कि इसमें अभी आजकल जो भोजपुरी सिनेमा में सोचते हैं कि हम चैनल के लिए फिल्म बनाएंगे, तो मैं थोड़ा सा उससे हट के सोच रहा हूँ कि जब इतनी ऑडियंस है और इतने सिनेमा हॉल से जो भोजपुरी फिल्में दिखाते हैं तो क्यों नहीं हम ऐसी फिल्में बनाएँ जो लोग थिएटर में जाके उन फिल्मों को देखें। तो मेरा फोकस जो है फिलहाल टोटल मेरा फोकस सिनेमा हॉल में है और सिनेमा हॉल को दिमाग में रख के मैंने फिल्म बनाई है। देखिए लेडी सिंघम वेरी सिंपल है कि हिंदुस्तान में अगर आप गूगल खोलेंगे तो आपको लेडी सिंघम में इतनी सारी लेडीज मिलेगी ऑल ओवर द कंट्री, इतनी अच्छी अच्छी कॉप हमारे हिंदुस्तान में हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, तो मैं उन लेडी सिंघम जो हैं जो रियल लाइफ में हैं उनसे मैंने इंस्पायर होकर ये टाइटल भी रखा और उसी से इंस्पायर होकर मैंने हीरोइन का प्रेजेंटेशन और उसका कैरेक्टराइजेशन को दिमाग में रख के लेके चला। देखिए जब ये मेरे पास प्रोजेक्ट जब आया था तो ये भोजपुरी सिनेमा के लिए आया था, उसके बाद शक्ति जी को जब मैंने हम लोग बैठे तो शक्ति जी का कॉन्सेप्ट था कि इसको हिंदी में भी बनाया जाए, लेकिन हमने सोचा कि पहले हम इसको भोजपुरी में जहाँ हमारा फोकस है वहीं पे हम फोकस करें, फोकस शिफ्ट ना हो ताकि भोजपुरी से ना इंसाफी ना हो जाए हिंदी को संभालते संभालते। देखिए ये बहुत अच्छे राइटर है जिन्होंने स्टोरी लिखा है और अपना पूरी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है और बहुत अच्छे राइटर हैं, अच्छी सोच है, बस थोड़ा सा समय का इनके साथ प्रॉब्लम रहता है। विजय कुमार साहब हैं तो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और अपना अच्छे गाने बनाते हैं, सिर्फ ये कि इनको इंस्पायर करने की ज़रूरत है, तो इंस्पायर करने के लिए मेरे को आते रहते मैं कोशिश करता रहता हूँ। कुमार जी गाने पे तालियां बजी अंतर जी जी तो मैं तो बनाया हूँ, अब दर्शक लोग देखेंगे, दर्शक लोग तालियां बजाती तो अच्छी लगती है। और सर ने बहुत मेहनत करवाया सर, बहुत सर को मैं 98 से जानता हूँ लेकिन इतना सालों के बाद मुझे काम करने का मौका मिला है तो बहुत खुशी की बात है। ऊपर से शक्ति कपूर जी मेरे गाने पर एक्ट कर रहे हैं म्यूजिक पे, तो बहुत खुशी हो रही है और सर का बहुत बड़ी बात है। काफ़ी फिल्में हैं सर, बहुत सारे फिल्में हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। क्या है जो एक्सपीरियंस वाले आदमी होते हैं डायरेक्टर उनके साथ काम करने में मज़ा आता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्टोरी और म्यूजिक सिचुएशन के हिसाब से बड़ा मेरा ध्यान रहता है कि स्टोरी और म्यूजिक सिचुएशन हो, क्लियर क्लियर म्यूजिक हो, आवाज़ अच्छी हो, उसमें मिक्सिंग अच्छे हो। सर आइटम तो है अभी सर, आइटम ही आने वाला है अभी तीनों। सर क्या कहेंगे आइटम्स आपकी रिक्वायरमेंट? देखिए सर मैंने मेरी फिल्म में मैं आइटम तो नहीं गाऊंगा लेकिन सिचुएशनल सॉन्ग जो एक रहता है अपना सिनेमा को स्क्रीन प्ले को आगे बढ़ाने के लिए वो हमने किया और सॉन्ग्स को हमने एंटरटेनमेंट वैल्यू देने की कोशिश की है, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर हम सिनेमा पे फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो पब्लिक आ रही है वो पैसे दे के आ रही है और अगर उसको अंदर एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है माइनस वल्गैरिटी, आइटम का मतलब ये नहीं कि वल्गैरिटी हो, माइनस वल्गैरिटी जो हमने गाने अच्छे बनाने की कोशिश की है और इसमें ऐसा कोई आइटम गर्ल का कोई गाना ऐसा कोई गाना है नहीं, स्क्रीन प्ले के हिसाब से कहानी चलती है। स्क्रीन प्ले की बात करें आप तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? दिलीप जी के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया, साथ में सीखने को मिला, स्क्रीन प्ले हम लोग कई ड्रॉप बैठे हैं। दिलीप जी तो कैप्टन है, हम लोग तो उस नाव में सवार थे, कैप्टन तो ये थे और अच्छा सिनेमा बनाया, कैंटन को छोड़ा नहीं दिलीप जी ने, जैसा हम लोगों ने वर्क किया था वैसा ही शूट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, सारी सुविधाएँ सेट पर नहीं मिलती, ऑन सेट डायरेक्टर को कुछ क्रिएट करना पड़ता है, पेपर पर बातें करना उधर ऑन सेट उस बात को विजुअल उतारना बहुत तकलीफ होता है, लेकिन दिलीप जी ने किया है वैसा। इसमें आप दिख रहे हैं कि नहीं इस फिल्म में? एज एन एक्टर ही मैं उसे नहीं अभी फिलहाल नहीं, पूरा फोकस मेरा डायरेक्शन में रहा है, लेकिन मैं डेफिनेटली एज एन एक्टर हिंदी में तो आ चुके हैं, एज एन एक्टर भी मैं आपको भोजपुरी सिनेमा में दिखूंगा बहुत जल्द। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.